आपके आंखों में एक सपना है कि जॉब झारखंड में करना है। जब आपका बाल पकने लगेगा, दाढ़ी पकने लगेगा, आपको अपने आप अंतरात्मा से आवाज़ आने लगेगी कि अब बेटा पढ़ने का समय नहीं है, कमाओ। हेमंत सोरेन सर को कि नहीं, हम लोग का जल्दी से एग्ज़ाम दीजिए और चुनाव से पहले हम लोग को नौकरी देने का अपना जो आपने वादा किया है उसको पूरा कीजिए। झारखंड में कोई भी वैकेंसी निकलना उस पर भरोसा करना बेवकूफ़ी है। झारखंड का कोई भी कोई ठिकाना नहीं है। पढ़ाई लिखाई करके बहुत बड़ा गलती किए और अगर ऐसा ही रहा तो हम अपने आने वाले पीढ़ी को कभी शिक्षा की ओर नहीं बोलेंगे कि आप शिक्षा लो, नहीं बोलेंगे कि आप पढ़ाई करो। एग्ज़ाम तो दे रहे लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, कैंसिल हो जा रहा है या फिर पेपर लीक हो जा रहा है, कोई ना कोई मामला सामने ही आ रहा है, बहुत डिप्रेशन में है। जैसी अभी सरकार की छवि है कि क्वेश्चन पेपर लीक होना ऐसे होना, तो जेई का एग्ज़ाम जैसे कि एक कीचड़ में कमल का फूल जैसा। जोहार, झारखंड में रोजगार की खाद छान रहे युवा अब आमरण अनशन पर उतारू हो गए हैं। यहाँ अभी हम मौजूद हैं राजभवन के समीप, और राजभवन के समीप जेएससी जेई के जो एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया एक बार नहीं तीन तीन बार, अब ये तमाम जो छात्र हैं ये अब आमरण अनशन पर राजभवन के समीप आकर बैठ गए। इन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। एग्ज़ाम ले रही है सरकार, कैंसिल हो जा रहा है, अंततः आप लोग आमरण अनशन पर आके बैठ गए हैं, क्या पूरा मामला है पहले वो बताइए। सर, सबसे पहले तो जूनियर इंजीनियर की एग्ज़ाम जो लास्ट सफलतापूर्वक जो कंप्लीट की गई थी वो था 2016 में, उसमें बहुत लोगों को ज्वाइनिंग भी मिला, सब कुछ भी मिला। 2016 के बाद बच्चे इस एग्ज़ाम को बहुत ही सीरियसली लिए हुए हैं क्योंकि सबके आँखों में एक सपना है कि जॉब झारखंड में करना है। उस सपना को साकार करने के लिए 2016 से जो बच्चे लगे हैं सो लगे हैं। 2017 में एग्ज़ाम नहीं होता, 18 में एग्ज़ाम नहीं होता, फाइनली 2021 के दिसंबर माह में एक नोटिफिकेशन आता है कि 1562 लोगों का हम नियुक्त करेंगे जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे। हम लोग जो भी थे, कोई साइट इंजीनियर पे जॉब कर रहा था, कोई फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि सर आप स्टूडेंट रह चुके हैं 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना, आप ठीक से पढ़ पाएंगे? 6 महीना के बाद आप नहीं पढ़ पाएंगे। जब आपका बाल पकने लगेगा, दाढ़ी पकने लगेगा, आपको अपने आप अंतरात्मा से आवाज़ आने लगेगी कि अब बेटा पढ़ने का समय नहीं है, कमाओ। उस मानसिकता के साथ हम लोग झेले उस फीलिंग्स को, उसके बावजूद भी उसको ओवरकम करके हम लोगों ने कमर कसा और 2021 का जो नोटिफिकेशन आया था उसको सीरियसली लेते हुए हम लोग जूनियर इंजीनियर का तैयारी पे लग गए। जून 2022 में ये एग्ज़ाम लेती है ऑफलाइन के रूप में। हम लोग एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलते हैं और पता चलता है कि पूरा जैसे आलू प्याज जैसे बिकता है वैसे आपका जेई का क्वेश्चन वायरल हो रहा था, बिक गया था। हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हुए, बहुत बुरा लगा कि अब हम जो कमाने के उम्र में जो हम लोग लाइब्रेरी में घुस के पढ़ रहे थे अब हमारा क्या होगा। फिर हम लोग निवेदन किए सीएम साहब से कि सर ऑफलाइन में तो ऐसे ऐसे सिचुएशन हो जा रही है, आप इसको ऑनलाइन एग्ज़ाम लीजिए। और TCS जो कि एक विश्वसनीय एजेंसी है जो कि सिर्फ इंडिया में नहीं विदेशों में भी जाके अब परीक्षा ले रही है, उससे हमारा एग्ज़ाम कराइए। सीएम साहब ने उस पर अग्री किया और हमारा दूसरा एग्ज़ाम अक्टूबर 2022 में होता है। उस एग्ज़ाम में 10th और 12th का जो नियोजन नीति जो सरकार के बनाया हुआ लफड़ा सपड़ा में हम लोग फंस गए। किसी तरह से तो अपने आप को मना पाए थे कि भैया फिर से तैयारी करो क्योंकि नहीं जॉब कर पाओगे तो क्या करोगे, प्राइवेट में तो पिस रहे हो। फिर पता चलता है कि नहीं, नियोजन नीति के कारण फिर से एग्ज़ाम रद्द हो गया। अब तो हमारे आँख के सामने अंधेरा कि दो दो बार एग्ज़ाम अपने आप को मनाए, कमाने के उम्र में फिर से अपने आप को मनाए कि लाइब्रेरी घुसो पढ़ो और फिर से रद्द। फिर हम लोग ने फिर से आता है नोटिफिकेशन कि चलो फिर से एक एग्ज़ाम लेंगे। अब ये एग्ज़ाम हुआ 2023 में अक्टूबर माह में, 20 अक्टूबर को ये एग्ज़ाम संपन्न होती है। JSSC एक टेंटेटिव डेट जारी करती है कि हम दिसंबर मंथ के एंड पे रिजल्ट जारी कर देंगे। हम लोग ने बहुत उम्मीद करके रखा कि नहीं, इस बार तो दिसंबर में आ जाएगा, हमारा 2024 जनवरी मंथ में हमारे पास हमारा नौकरी होगा, 26 जनवरी को तो हम लोग को नियुक्त कर ही दिया जाएगा, ऐसा ख्वाब लिए हम लोग। बहुत खुश थे, बहुत उत्तेजित थे, इवन जहां तहां हम लोग ये भी बोलने लगे थे कि अब जो आप लोग समाज, क्योंकि हम लोग जो 2014-15 के पास आउट स्टूडेंट, उनको जो समाज दूसरे नज़र से देखता था कि ये पढ़ा नहीं पोड़ा है,
उन लोगों को हम लोग, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम अच्छा गया तो हम लोग बोलने लगे कि देखो अब हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, 26 जनवरी तक तो आ जाएगा। वो भी धरा का धरा रह गया। हमने 16 जनवरी को आंदोलन किया JSSC ऑफिस में, वहाँ के अधिकारियों द्वारा बोला गया कि आप 10 दिन रुक जाइए, आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिलेगा। हमने 10 दिन नहीं 20 दिन रुक गया, कोई पॉजिटिव नहीं मिला। वहाँ के जो अधिकारी हैं, चेयरमैन सर हैं नीरज सिन्हा सर, वो पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं। एक रिटायर्ड आदमी होते हुए भी हमारा दर्द नहीं समझ रहे हैं, कभी मिलने नहीं आते हैं। मिलने के तौर पे एक मधुमिता मैम को बोल दिया जाता है, उनसे हम लोग मिलते हैं, वो अपना वादा कुछ और करती है और बाद में उससे मुकर जाती है। तो हम लोग परेशान, हताश बहुत। हम लोग विधायिका मैम लोग से भी पूछा, दीपिका मैम से भी मिला, अम्मा मैम से भी मिला, नेहा तिर्की मैम से भी मिला। उन्होंने भी ट्विटर पे CM चंपई दा को अपना एक लेटर पैड में लिख के दिया। अब हम लोग बहुत उम्मीद के साथ उम्मीद करते हैं कि हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अभी भी इतना हम लोग को धोखा मिला। क्योंकि हम लोग कभी CM पे भरोसा किए, क्योंकि याद होगा जब नियोजन नीति को लेकर रद्द हुआ था तो CM हेमंत सोरेन ने एक प्री रिकॉर्डेड कॉल का सर्वे कराया था। उस सर्वे में सबसे पूछा गया था, जितने भी विद्यार्थी से सबसे पूछा गया था कि साथियों आप क्या चाहते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएं कि आपका एग्ज़ाम तुरंत करा के लोकसभा चुनाव से पहले आप लोग को नियोजन नौकरी देने का ये पूरा करें, वादा पूरा करें। हम सब डरे हुए थे कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट मैटर चली जाती है तो पता नहीं, 8 साल से तो ऐसे ही हम लोग रुके हुए हैं, पता नहीं 10 साल 20 साल कब होगा पता नहीं। हम लोग ऑप्शन 2 चुना और सरकार को बोला हेमंत सोरेन सर को कि नहीं हम लोग का जल्दी से एग्ज़ाम दीजिए और चुनाव से पहले हम लोग को नौकरी देने का अपना जो आपने वादा किया है उसको पूरा कीजिए। लेकिन वो भी तो विश्वास किए, लेकिन धरा का धरा रह गया। अब 1 महीना बाद हम लोग का लोकसभा चुनाव का आचार संहिता लग जाएगा। हम लोग का अगर रिजल्ट ऐसी स्थिति पे नहीं आता है तो CM हेमंत सोरेन जो कि पर्सनल कॉल करके, प्री रिकॉर्डेड कॉल करके जो सर्वे कराए थे, क्या उस पर भी भरोसा ना करे? तो अगर भरोसा करना गलत है तो हम सब तो भरोसा किसी ना किसी पे करते हैं। ऑटो बैठते हैं तो ड्राइवर पे भरोसा करते हैं, वोट देते हैं तो नेता पे भरोसा करते हैं। हर जगह अगर भरोसा ना करें तो हम लोग तो चल ही नहीं पाएंगे। और हम लोग का क्या गलती है कि लोगों पे भरोसा कर रहे हैं, हमारे लोकल पार्टी का जो नेता बने हैं उस पर भरोसा कर रहे हैं, हमारे अधिकारी जिनको हमारे द्वारा टैक्स दिया हुआ पैसा से उनको सैलरी मिलता, क्या उन पर भरोसा ना करें? और अगर भरोसा करना गुनाह है तो हम लोग बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। आज हम लोग राज्यपाल जो कि झारखंड के सबसे सर्वोच्च नागरिक हैं, उनके पास भी भरोसा के साथ ही आए हैं कि सर हम लोग को तो ना सरकार सुन रही है ना अधिकारी सुनती है, अब तो आप पे भी लास्ट भरोसा कर रहे हैं, अब तो आप कुछ अपने अधिकारियों को आदेश दीजिए, मंत्री को आदेश दीजिए, कुछ तो कीजिए कि हम लोग का जो जीवन जो सामने अंधेरा दिख रहा है वो कम से कम कुछ उजाला आए। हम लोग सब शादी के करने के उम्र हो गए, हम लोग में से बहुत लोगों का शादी है, दो दो बच्चा है, अब उनका पढ़ने का आ गया है, उनका फीस हम कैसे दें? कहाँ कहाँ हम लोग शर्म से हम लोग ना कहीं जा पाते हैं, ना कोई रिश्तेदार के पास जा पाते हैं, क्या करें हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। कुल मिला के कहें तो सरकारी व्यवस्था से आप लोग पूरी तरह से निराश, प्रताड़ित है, सरकारी व्यवस्था से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है। और हम लोग ये मतलब क्या बोले, ऐसा लगता है कि हम लोग पढ़ाई लिखाई करके बहुत बड़ा गलती किए, और अगर ऐसा ही रहा तो हम अपने आने वाले पीढ़ी को कभी शिक्षा की ओर नहीं बोलेंगे कि आप शिक्षा लो, नहीं बोलेंगे कि आप पढ़ाई करो, नहीं बोलेंगे कि आप इंजीनियरिंग करो, नहीं बोलेंगे कि आप डॉक्टर बनोगे, क्योंकि आप तो अपना काम कर लोगे, लेकिन ये सरकार, ये अधिकारी आपको नौकरी नहीं देगा, आपको कभी हमेशा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। एक बात बताइए, आप लोग तो लड़की हैं, एग्ज़ाम देते हैं कैंसिल हो जाता है, घर से कितना दबाव रहता है? घर से दबाव पता है, अभी बोलने का है नहीं सर, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है। फैमिली तो मम्मी पापा अगर कहीं ना कहीं सहयोग करते हैं तो रिलेटिव इतने हैं कि बोलने वाले बहुत हैं कि लड़की है, एज हो गया है, 24 साल हो गया है, 23 साल होने लगा है तुम लोग का, अब शादी कर लो सही रहेगा, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, ऑलरेडी तुम लोग को बहुत टाइम दे दिए हैं। लेकिन मेरा और मेरे मतलब मम्मी पापा का सपना है कि हाँ हमारे बच्चे, दोनों बच्चे जो हैं कुछ करे लाइफ में, आगे बढ़े। हम लोग कुछ नहीं कर पाए, हमारे बच्चे के थ्रू वो प्लेटफॉर्म देखना चाहते हैं, वो रिस्पेक्ट लेना चाहते हैं, क्योंकि फैमिली में वैसा हम लोग का सर बैकग्राउंड नहीं है कि ठीक है आप तैयारी कर रहे हो, चलो पैसा 1 लाख 2 लाख आपको दे दिया गया या फिर ये सब कर दिया गया, आगे का वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा,
ऐसा नहीं है सर, हम लोग जो है रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले, हमारे फैमिली ऐसे हम लोग बिलोंग करते हैं। आज हम लोग आए हैं सर, धनबाद से हम आए हैं, ठीक है। आज इस ये दिन देखना पड़ रहा है कि हमें रोड पे निकल के अपने लिए एक स्टैंड लेना पड़ रहा है कि हम लोग को एटलीस्ट ये DVL लिस्ट जारी करे। ऑलरेडी 3 बार एग्ज़ाम हो चुकी है, ऑलरेडी हम 3 बार एग्ज़ाम में बैठे हैं। घर वालों का उम्मीद रहता है कि नहीं बेटी पढ़ रही है, दिन रात पढ़ रही है, तो आज नहीं तो कल इसका कुछ ना कुछ रिज़ल्ट होगा। सब रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। अब हमसे रोज़ पूछते हैं कि बेटा कब आएगा रिज़ल्ट, कब आएगा। अब तो पूछना भी बंद कर दिए हैं कि तुम एग्ज़ाम तो दे रही हो, अगर उनको मैं बताती हूँ मम्मी इतने मार्क्स आए ऐसे आए, बोलते पहले रिज़ल्ट तो आने दो फिर तुम हमें ये सब बताना। अच्छा, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर एग्ज़ाम जो होता है निरंतर होता है, बिना कोई ऑब्स्टेकल्स के होता है, और झारखंड में ऐसे कई उदाहरण हैं। एग्ज़ाम होता है, रिजल्ट नहीं आता, एग्ज़ाम होता है, पेपर लीक हो जाता है, ऐसे में एज ए स्टूडेंट कितनी हताशा होती है? बहुत हताशा होती है। 3-4 साल से हम पढ़ रहे हैं, कोई इम्तिहान एग्ज़ाम तो दे रहे हैं लेकिन रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, कैंसिल हो जा रहा है या फिर पेपर लीक हो जा रहा है, कोई ना कोई मामला सामने ही आ रहा है। बहुत डिप्रेशन में है। अब तो छोटे भाई बहन भी कहीं कहीं लग गए हैं, लेकिन हम जो के तो हैं, छोटे भाई बहन प्राइवेट में है या फिर कहीं भी है, वो आगे निकल जा रहे हैं, और हम है कि वहीं के वहीं हैं। अब झारखंड में कोई भी वैकेंसी निकलना और उस पर भरोसा करना बेवकूफ़ी है। झारखंड का कोई भी कोई ठिकाना नहीं है कब क्या हो जाएगा, इसीलिए हम अब इस पे से भरोसा ही उठ गया है। तो देखिए, यही नीति है यहाँ पर, आप देख लीजिए किस तरह से टेंट लगाया गया है, और तमाम जो JSSC JEE के जो एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, वो अब सब यहाँ भूख हड़ताल में बैठ चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे झारखंड को लेकर? मैं सरकार से बस ये आग्रह करता हूँ कि JEE का जो एग्ज़ाम हुआ है, ये TCS जैसी विश्वसनीय संस्थान ने लिया है, और इस एग्ज़ाम को लेके कोई किंतु परंतु नहीं है, कहीं किसी भी तरह का लीक या ये सब मामला कुछ भी नहीं है। जैसे CGL को लेके, CGL का एग्ज़ाम से पहले जैसे क्वेश्चंस वायरल हो रहे थे, इस JEE का एग्ज़ाम को लेके कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। और जैसी अभी सरकार की छवि है कि क्वेश्चन पेपर लीक होना, ऐसे होना, तो JEE का एग्ज़ाम जैसे कि एक कीचड़ में कमल का फूल जैसा है। अगर सरकार इसको क्लियर कर देती है तो ऐसा लगेगा जैसे कि कीचड़ में एक कमल का फूल खिला हुआ। उम्मीद है कि होगा, यही उम्मीद सर, बचपन से भरोसा करते आए हैं, कभी सरकार पे भरोसा किए, कभी किताब पे भरोसा किए, कभी अधिकारी पे भरोसा किए, आज राज्यपाल महोदय से पे भी भरोसा किया, और आगे भी भरोसा करते ही करेंगे ही, जब तक हमारे में पेशेंस है तब तक करेंगे, और जिस दिन ये भरोसा ख़त्म हो जाएगा शायद उस दिन बहुत ही अच्छा नहीं होगा इस एजुकेशन को लेके, क्योंकि कोई बच्चा उस दिन फिर पढ़ना लिखना सब छोड़ देगा, आने वाला पीढ़ी पढ़ाई को छोड़ के अपना बिजनेस पे ध्यान देगा। ऐसे भी हम लोग बोलते ही हैं कि सुअर पालो, मुर्गी पालो, यही सब चीज़ चलेगा। तो इसी के लिए सर ये भरोसा ना टूटे, क्योंकि ये भरोसा कार्यक्रम है आमरण अनशन के बाद, और क्या कुछ करना है अगर सरकार मांगे नहीं सुनती है? 19 तारीख को हमारा सरकार के विरोध में हमारे लोग बाल छिलाने का प्रोग्राम है, उसके बाद भी कुछ सरकार के विरोध में कुछ और भी प्रोग्राम है, वो समय के साथ आपको वो बता दिया जाएगा। तो देखिए, ये हाल है राजभवन के पास JSSC JEE के जो एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने लगभग 1-2 बार नहीं 3-3 बार एग्ज़ाम दिया है, और अब तमाम जो छात्र हैं, कई लोग जो संगठित होकर पहुँचे हैं अलग अलग जिला से, और सभी अब जो हैं आमरण अनशन के लिए इस तरह से बैठे हुए हैं। देखना होगा सरकार इनकी मांगों को कब तक जो है सीरियसली लेती है, और इन एस्पिरेंट्स पे का रिजल्ट जो होता है कब तक जारी होता है। तब तक के लगातार बने रहें झारखंड अपडेट्स के साथ। शुक्रिया। Introducing Himalayan International Residential School, nestled in a lustrine 120-acre campus between Siliguri and Jalpaiguri town. Unlock your academic potential and exceed your expectations with our innovative curriculum and exceptional faculty. Discover your passion and unleash your energy with a diverse range of sports, games and co-curricular activities. Experience a home away from home at a welcoming and secure boarding facility. Awarded as one of the best co-ed boarding school in West Bengal. Choose Himalayan International Residential School.